हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन द पीरियडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल। जेम्स मिल ने जिस तरह से हिस्ट्री को पीरियडाइज किया था, इंडियन हिस्ट्री को, अभी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि जेम्स मिल की बुक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज किया था। पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने, और पिछले वीडियो में हमने यह भी पढ़ा था कि जेम्स मिल ने तीन कैटेगरी में, तीन पीरियड में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन में प्रॉब्लम क्या थी। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, सवाल के साथ में छोड़े गए थे कि देयर वॉज ए प्रॉब्लम इन द पीरियडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन ऑफर किया था उस पीरियडाइजेशन में क्या थी, एक प्रॉब्लम थी, एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, तो जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ये दिक्कत थी। देखो रिलीजियस ग्राउंड मतलब क्या होता है कि धर्म के आधार पर उन्होंने कर दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश यानी उन्होंने क्रिश्चियन, जैसे मैंने आपको बताया था, आगे बताता हूं, तो ये वही है कि ब्रिटिश पीरियड यानी क्रिश्चियन रिलीजन उन्होंने रिलेट कर दिया। उनका ये मानना था जैसे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, क्रिश्चियंस, तो ये टाइम पीरियड उन्होंने कैसे क्लासिफाई कर दिया कि एंशियंट इंडिया में देखेंगे हम अधिकतर हिंदू रूलर्स थे। मिडिवल टाइम पीरियड में हमने देखा दिल्ली सल्तनत, मुगल रूलर्स, तो मुस्लिम रूलर्स थे। फिर अगर आप ब्रिटिश टाइम पीरियड पे देखोगे तो ब्रिटिशर्स वर क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन रूलर्स थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, रिलीजन के हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। तो क्या यह सही था, नहीं ये सही नहीं था, इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी वो मैं समझाता हूं। इज इट राइट टू कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम, मतलब जो रूलर है उसका जो रिलीजन है, अब उस रिलीजन के नाम पे पूरी की पूरी एज को अगर आप पीरियडाइज कर देते हो, पूरी की पूरी टाइम पीरियड को आप क्लासिफाई कर देते हो, तो क्या ये सही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा होता था कि मान लीजिए रूलर हिंदू है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी पूरी जनता में से मुस्लिम पॉपुलेशन भी हो, उसकी पूरी जनता में क्रिश्चियंस भी हो, आया समझ में। तो ये गलत था कि आप इस तरह से एक पूरे के पूरे टाइम पीरियड को किसी रिलीजन से रिलेट नहीं कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, डज द लाइफ, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर डू नॉट मैटर्स। अब मैंने वही बताया कि अगर आप एक रिलीजन के हिसाब से पीरियडाइज कर दोगे, आपने मिडिवल पीरियड को मुस्लिम रूलर के नाम से वो कर दिया, मतलब मुस्लिम टाइम पीरियड के नाम से क्या कर दिया, पीरियडाइज कर दिया, तो जो दूसरे रिलीजन थे, जो दूसरे लोगों की लाइफ थी, जो दूसरे लोगों के कस्टम्स थे, प्रैक्टिसेस थे, क्या वो हिस्ट्री में मायने नहीं रखते, क्या वो लोग उनकी एक्टिविटीज को हम हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे, करेंगे बेशक करेंगे। तो उसी सेंस में क्या है, उसी सेंस में यहां पर हमें समझना होगा, ये जानना होगा हमें कि जेम्स मिल के द्वारा जो पीरियडाइजेशन ऑफर किया गया था दैट वॉज नॉट अप टू दैट मार्क। क्यों, क्योंकि देर वर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस कैसी थी कि उन्होंने सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे कर दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस हिज क्लासिफिकेशन वॉज नॉट राइट। ठीक है, तो अब यही चीज वहां पर बताई गई है, क्या कि हम अगर इस चीज को कंक्लूड करें तो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन ये रहेगा, और उस चीज को अगर ऐसे कंक्लूड करके देयरफॉर दिस पीरियडाइजेशन इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाई, तो उन्होंने जो पीरियडाइजेशन किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का, दिस इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर समझेंगे जस्टिफाइड इसलिए नहीं क्योंकि बिकॉज वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमेंटेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने हिंदू पीरियड से क्लासिफाई कर दिया, फिर मुस्लिम पीरियड से क्लासिफाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पीरियड में सिर्फ मुस्लिम रूलर्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और पॉपुलेशन भी सारी मुस्लिम है, दूसरे रिलीजन के लोग भी तो थे। तो वही चीज यहां पे बताई गई, जैसे एग्जांपल देखोगे व्हेन दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल होगा, ठीक है, व्हेन दिल्ली वॉज रूल्ड बाय मुस्लिम रूलर्स इन साउथ देयर वर रूलर्स ऑफ अदर फेथ ऑल्सो। ठीक है, तो जब दिल्ली पे कौन रूल कर रहे थे, मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे थे, तो साउथ इंडिया में हमने क्या देखा, साउथ इंडिया में वहां पे दूसरे फेथ के रूलर्स भी थे। आपने सेवंथ क्लास में जो लास्ट के चैप्टर थे उनमें पढ़ा था ना कि ऊपर दिल्ली सल्तनत, मतलब जो दिल्ली कैपिटल थी, तो वहां पे हो सकता है कि मुस्लिम रूलर्स रूल कर रहे, लेकिन साउथ में अलग अलग रूलर्स थे। तो उस सेंस में क्या है कि वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड साइमेंटेनियसली, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो क्या दे दिया है, वो रिलीजन के बेसिस पे दे दिया है, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन एक साथ रहते, तो ये लिमिटेशन थी उनकी। किसकी लिमिटेशन थी, जेम्स मिल का जो पीरियडाइजेशन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वॉट इज द लिमिटेशन इन द पीरियडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, या फिर प्रॉब्लम इन द पीरियडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल, तो किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो इसी स्लाइड में अगर हम और चीजें पढ़ते हैं इसी टॉपिक में, तो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल, जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन दिया था हमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वाला, उसमें लिमिटेशन थी, मैंने आपको बताया। क्यों, क्योंकि वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमेंटेनियसली, एक साथ अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। तो ये लिमिटेशन के चलते क्या होता है, मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस की बात करेंगे, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। अब ये देखो, तो
क्योंकि जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन दिया उससे लोग खुश नहीं थे, लोगों को ऐसा लगता था कि गलत है, उसके अंदर लिमिटेशंस हैं, तो हिस्टोरियंस ने दूसरा पीरियडाइजेशन दिया या फिर दूसरा क्लासिफिकेशन दिया इंडियन हिस्ट्री को। उन्होंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जिसे हम आज पढ़ते हैं। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी थी? एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो कह सकते हो आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये तीन पीरियड में हमने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पेच है, देखो क्या है। तो एंशियंट हिस्ट्री को हमने प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी से कंसीडर कर लिया कि जो पुराने समय पे ओल्ड सोसाइटी थी, ठीक है, जब राजा महाराजा, जैसे हम कहें क्या कि बुद्ध के टाइम पीरियड का, अशोक के टाइम पीरियड का, जो पूरा 800 के आसपास का, उस टाइम तक, उस पीरियड तक को हमने एंशियंट हिस्ट्री बोल दिया। मिडिवल क्या होता है? तो मिडिवल ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक और एंशियंट के बाद में। तो एंशियंट और मॉडर्न मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले की जो टाइम, बीच का जो टाइम पीरियड है उसे मिडिवल हिस्ट्री। तो इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहा गया है, नाइदर एंशियंट नॉर मॉडर्न। तो ये वो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का जब एंशियंट में भी कंसिडर नहीं किया जा रहा था और मॉडर्न में भी कंसिडर नहीं किया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो इंडिया का टाइम पीरियड अटैक वगैरह हुए थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक, तो उसे मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। जो हमने सेवंथ क्लास में, देखो रिलेट करो, सिक्स्थ में सारा सब कुछ पढ़ा था एंशियंट वाला, बुद्ध, अशोक, हर्षवर्धन, ये सारी चीजें। फिर मेडिवल में हमने क्या पढ़ा? मेडिवल में वो ट्रांजिशन पीरियड पढ़ा पूरा, तो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठास, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। फिर अब मॉडर्न में क्या है? तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे मॉडर्न का मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस। मॉडर्न फोर्सेस क्या हो जाएगी? जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन चीजों की बात की गई मॉडर्न हिस्ट्री में, कि ये जब ट्रेंड देखने को मिला तो ये ट्रेंड को क्या बोला गया? मॉडर्न हिस्ट्री बोला गया। लेकिन क्या ये सारी चीजें इंडिया में भी देखी जा रही थी? बताओ जरा, डेमोक्रेसी थी? नहीं थी। लिबर्टी थी? नहीं थी। इक्वालिटी थी? नहीं थी। ये तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे यूरोप की जो कंट्रीज थी, वहां पर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को एसोसिएट किया गया विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस। वहां पर साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी ग्रो हो रहा था। वॉज इट ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया? तो नो, इंडिया के केस में क्या है, ये सही नहीं था। इंडिया के केस में कुछ और सही था। क्या सही था? इंडिया के समय पे, तो मतलब इंडिया को, इंडिया में जिस पीरियड को मॉडर्न पीरियड बोला जा रहा है, जेम्स मिल ने जिसे ब्रिटिश टाइम पीरियड से क्लासिफाई किया है, उस समय पे क्या हो रहा था? उस समय पे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी नहीं थी ना, तो ये एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। देखो इस चीज को समझो कि ये जो पर्सपेक्टिव दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो वेस्टर्न कंट्रीज को तो अगर मॉडर्न बोला जाए उनकी हिस्ट्री को, इस टाइम पीरियड को, तो उनको ठीक लगेगा। लेकिन हमारे लिए मॉडर्न नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में तो ये सारे प्रिंसिपल्स, हमें तो ये जो मॉडर्न फोर्सेस की बात की जा रही वो तो मिली नहीं थी। तो इसके लिए कुछ हिस्टोरियंस ने, इंडियन हिस्टोरियंस ने, देयरफॉर मेनी इंडियन हिस्टोरियंस रेफर दिस मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। अब समझना, तो हमने बोला ठीक है एंशियंट क्लासिफिकेशन सही है, मिडिवल क्लासिफिकेशन सही है, लेकिन जिसे आप मॉडर्न पीरियड बोल रहे हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोल रहे हो, हमारे लिए तो वो मॉडर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स की, जिन मॉडर्न फोर्सेस की आप बात कर रहे हो, इंडिया में तो वो था ही नहीं, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में था, वो तो सिर्फ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था। तो यहां पे हम नो बोलेंगे बहुत बड़ा कि हमारे लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री थी ही नहीं। तो हमारे हिस्टोरियंस ने क्या किया? हमारे हिस्टोरियंस ने, मेनी हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस रेफर्ड दिस मॉडर्न पीरियड। तो जिस चीज को वहां पे मॉडर्न बोला जा रहा था, उस मॉडर्न पीरियड को हमारे हिस्टोरियंस ने क्या बोला? कॉलोनियल पीरियड बोला। अब सवाल ये आता है, कॉलोनियल पीरियड क्या है? ठीक है, आप लोगों के मन में सवाल आया है, तो कॉलोनियल पीरियड क्या है, इसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। आ गया समझ में कि एंशियंट मेडिवल को हम रेडी हो गए, ठीक है एंशियंट मेडिवल, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड था, तो हमारे हिस्टोरियंस उस मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं, जो ये दर्शाता है कि ये मॉडर्न फोर्सेस हमारे यहां नहीं आए थे। कॉलोनियल क्या होता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि जेम्स मिल ने क्या कर दिया, इंडियन हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड कर दिया था। जेम्स मिल ने जो डिवाइड करा, तो उसकी लिमिटेशन बताई हमने आपको कि वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसी चीज से ऊपर आते हुए, इस लिमिटेशन से ऊपर आते हुए हिस्टोरियंस ने एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में क्लासिफाई करा। फिर हमने बोला कि मॉडर्न में जो आप मॉडर्न फोर्सेस की बात कर रहे हो, वो इंडिया में तो है ही नहीं, तो हमारे हिस्टोरियंस ने उसको, उस मॉडर्न पीरियड को क्या कर दिया? कॉलोनियल पीरियड के नाम से क्लासिफाई किया। तो एक कॉलोनियल पीरियड क्या है, ये अब हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉलोनियल पीरियड के साथ। थैंक यू वेरी मच।